भिवंडी से एचबीटी 24 न्यूज की रिपोर्ट। भिवंडी शहर के देवनगर क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन का काम चालू है, जिसमें कई बार देखने को मिला है कॉन्ट्रैक्टर बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। भिवंडी के देवनगर क्षेत्र वार्ड नंबर 19 में रोड के बीचों बीच ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है। इस काम के दौरान पीने के पानी का सरकारी पाइपलाइन टूट गया, जिसे एक सप्ताह से ज्यादा हो चुका है, और इस लापरवाही के कारण हर दिन हजारों लीटर पीने का पानी को बर्बाद किया जा रहा है। प्रभाग 4 के अधिकारी शमीम अंसारी का कोई ध्यान नहीं है, ना ही नगर सेवकों का ध्यान है। जानकारी के मुताबिक हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वही वार्ड नंबर 19 में कई जगह पानी की काफी किल्लत है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान बालाजी नगर नागौरी होटल के सामने महिलाएं सड़कों पर उतर गई थी। उनका कहना था कि 15-20 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है, और लॉकडाउन होने के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना की जानकारी भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कल्याण राव करपे साहब को हमारे चैनल के माध्यम से दी गई, जिसे पुलिस ने तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करके समस्या का समाधान किया। सवाल ये है कि इस तरह से पीने के पानी का बर्बादी करना कहां तक उचित है? इस गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रशासन कार्यवाही क्यों नहीं करता? आप लोग नगर नगर से कौन से नगर सेवक के पास गए? इरफान के पास। क्या बोला? बोलते कि 15 दिन तो बोलते काय करे तो वर्ती रहे बोलते कंप्लीट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।